Hallelujah. Praise God. आज बहुत amazing होने वाला है. Amen. क्या आप expect कर रहे हैं आज? क्योंकि जब कभी यीशु मसीह गलील की गलियों में चलता और फिरता था, तो वो लोगों से पूछता था, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आमीन. तो उन लोगों ने क्या बोला? जो कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो कुछ वो चाहते थे परमेश्वर उनके लिए करे. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके लिए वो ही है जो आप विश्वास करते हो कि वो आपके लिए है. अगर आप केवल मानते हो कि वो आपके पापों को क्षमा करता है और आप स्वर्ग चले जाओगे, नहीं मानते कि बीमारी तो होंगी ही, बीमारी शायद परमेश्वर किसी की चंगी करता है किसी की नहीं करता, तो उसी का फल आप जो है खाओगे. जो कुछ आप विश्वास करते हो, जैसा आप विश्वास करते हो कि जो परमेश्वर आपके लिए है वो ही वो आपके लिए बन जाता है. वो सब कुछ कर सकता है, मगर फिर भी वो लोगों से पूछता था, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपके लिए बुद्धि है, तो वो आपके लिए बुद्धि बन जाता है. अगर आप विश्वास करते हो कि वो आपकी रक्षा करने वाला है, तो वो आपकी रक्षा करने वाला बन जाता है. अगर आप विश्वास करते हो कि वो आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, तो वो आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर बन जाता है. जो कुछ आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए है, वो आप उससे एक्सपेक्ट करो आज. आमीन. हालेलुया. एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आज से, जो है पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास. आमीन. और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं कि जब तक ये सीरीज खत्म होगी, आप ढूंढ के भी अपने पहाड़ों को नहीं पाओगे. आमीन. आप जानते हो क्यों? क्योंकि आपके सारे पहाड़ समुद्र के अंदर होंगे. आमीन. सो आप बैठ सकते हैं, मगर आत्मा में खड़े रहें. आमीन. बाइबल कहती है जागते रहें, सतर्क रहें. सो चलिए हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की तरफ जाएंगे. मगर कितने लोग आज यहाँ पर हैं जो वचन से प्रेम करने वाले हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए. अगर आप अपना हाथ हिलाइए, अगर आप कहें मैं वचन का आदर करने वाला मसीह हूं. आमीन. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सारे मसीह वचन का आदर करने वाले मसीह नहीं है. वो ऐसे आदर करते हैं, ऐसे. ये आदर करना नहीं है, ये धर्म है. आदर करना वो है जब जो वचन हमें दिया गया, हम उसको अपना सबसे कीमती ट्रेजर समझे, अपना सबसे कीमती धन समझे. और उसको लोग क्या करते हैं? कोई अपने गहने दरवाजे के सामने लिविंग रूम में रखता है? कहाँ रखता है? तिजोरी में. क्योंकि वो क्या है? कीमती है. ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें जो वचन का धन है उसको यहाँ तिजोरी में बंद करके रखना है, छुपा के रखना है, हृदय के अंदर रखना है. आमीन. सो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की तरफ चलेंगे. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं. आप एक अच्छे और भले पिता हैं. हर एक अच्छी वस्तु, हर एक अच्छा दान और वरदान पिता आपकी तरफ से ही आता है. आपका वचन कहता है कि आप ज्योतियों के पिता हैं. प्रभु, कोई भी बुराई आपकी तरफ से नहीं आती, कोई भी बीमारी आपकी तरफ से नहीं आती. आप एक अच्छे पिता हैं. आपका वचन हमें बताता है कि आत्मा आज भी कलीसिया से बात कर रहे हैं. और आपका वचन कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है. और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यहां पे जितने लोग आए हैं उनके सुनने के कान हो प्रभु. वो तेरे वचन को हल्का ना जाने प्रभु, वो तेरे वचन को एक आम
वचन की तरह ना सुने प्रभु, पर ध्यान धर कर वो तेरे वचन का आदर करें प्रभु। और पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि तू सत्य का आत्मा है और तू हमें हर एक सत्य में लेकर चलेगा। प्रभु होने दे कि इस घर से तू विश्वास के ऐसे योद्धाओं को खड़ा करे प्रभु, जो तेरे लिए बड़ी महिमा का कारण बने प्रभु। अगर आप ये विश्वास करते हो तो मेरे साथ बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। सो आप जानते हो क्यों इतने ऐसे मसीह हैं जो बढ़ोतरी को नहीं देखते अपने जीवन में? वो चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, मगर जो बढ़ोतरी उनके जीवन में होनी चाहिए वो नहीं होती। और उसका एक कारण मैं आज आपको बताऊंगा, वो वचन में है कि क्या वो कारण है कि कितने सारे ऐसे मसीह हैं, फास्टिंग प्रेयर में भी आ रहे हैं और रविवार को भी आते हैं और सारी सभाओं में आते हैं, मगर वो बढ़ोतरी जो परमेश्वर चाहता है उनके जीवन में वो नहीं देखते। और उसका कारण ये है कि हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने सिद्धांतों को रखा है। बोलिए सिद्धांत, सिद्धांत, आमीन। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में करता है और कुछ का उसका मन नहीं करता, वो कहता नहीं नहीं ये इनके नहीं करूँगा, मैं इसके करूँगा। वो ईना मीना मोही मोड़ नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने जो सिद्धांत रखे हैं वो हर किसी के लिए है। उसका वचन कहता है होशाया 4:6 में कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गई है। सो अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? जो परमेश्वर चाहता है, जो सिद्धांत उसने हमारे लिए रखे हैं, अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो जो बढ़ोतरी वो हमारे जीवन में देना चाहता है, जो कार्य वो हमारे जीवन में करना चाहता है, वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में बढ़ते रहें। आप देखेंगे क्या लिखा है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को क्या ठहराया है? तुच्छ माना। वो लोग, वो मसीह लोग आज जो नाश हो रहे हैं, उनके पीछे ये कारण नहीं है कि शैतान बहुत बड़ा है। शैतान बड़ा नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि उन मसीहों ने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना। कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो सारी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, और अच्छा है, हम लोगों को प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में करनी है, मगर प्रार्थना भी आप, अगर आपके पास सत्य नहीं है तो आप गलत तरीके से प्रार्थना करेंगे और अपने उत्तर से और दूर चले जाएंगे। आप जानते हैं गलत प्रार्थना करने से आप अपने उत्तर के पास नहीं, दूर चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे, कितने मसीह ऐसे हैं उनको उत्तर इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं गलत हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बढ़ना है परमेश्वर के ज्ञान में, उसके डील डॉल में, उस प्रकाशन में जो आत्मा के द्वारा आता है। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। यानी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की प्रजा नाश हो सकती है क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को क्या किया? तुच्छ जाना। आमीन। मगर प्रेज गॉड कि आप इस घर में रोपे गए हो। आमीन। परमेश्वर का वचन यरमाया 3:15 में कहता है कि मैं अपने हृदय के अनुसार तुम्हें चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाएंगे। मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि में वो क्या करेंगे? तुम्हें बढ़ाएंगे। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से आज का वचन सुने, क्योंकि जो कुछ आप अपने जीवन में करते हैं वो इससे ही पैदा होता है। तो मैं आज आपको बढ़ोतरी के लिए बताता हूं। देखिए कितने मसीह ऐसे हैं उनके कानों में ना खुजली है। क्या है खुजली? क्या है? कुछ नया सुनाओ पास्टर। अरे पास्टर ये तो अब विश्वास तो आपने ऑलरेडी 12 कर रखे, सुन लिया हमने, किताब भी लिख दी आपने विश्वास के बारे। कुछ नया सुनाओ पास्टर, कुछ नया, हमें कुछ नया रेवलेशन सुनना है। क्या सुनना है? नया रेवलेशन। जो पुराना सुना है उसके फल हैं कुछ जीवन में? क्या करोगे नया सुन के अगर पुराने के फल ही नहीं आए तो?
सो बात नया प्रकाशन सुनने की नहीं है, बात यह है जो आपने सुना उन फलों को फलाने की है। आमीन। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको एक सीक्रेट, एक कुंजी दे रहा हूं बढ़ोतरी की। इतना आसान है बढ़ना कि आपको लगेगा अरे कैसे मैंने मिस कर दिया। बहुत ही आसान है। आप जानते हैं क्या है? वचन में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 6वीं आयत देखिए। यहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, मैंने पौधा रोपा अपोलुस ने उसे सींचा, पर किंतु परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। इंग्लिश बाइबल सेज गॉड ब्रॉट इंक्रीज, यानी परमेश्वर बढ़ोतरी लेकर आया। परमेश्वर सीधे बढ़ोतरी नहीं ला सकता आपके जीवन में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कई लोग कहते हैं प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु बढ़ोतरी दे। नहीं ला सकता बढ़ोतरी। अगर प्रभु को बढ़ोतरी लानी है तो किसी को पहले बोना पड़ेगा वचन, फिर किसी को उसको सींचना पड़ेगा, फिर बढ़ोतरी आएगी। बढ़ोतरी तीसरा स्तर है। पहला स्तर है बीजों, बीज को बोना। क्या है पहला स्तर? बीज को बोना। दूसरा स्तर है उसको सींचना, उस पर पानी डालना। आप बेस्ट क्वालिटी का बीज ले आइए, आप कश्मीर जाइए वहां से आप सबसे अच्छा बीज ले आइए सेब का। मगर अगर आपने बीज बो दिया और उसके बाद भूल गए तो क्या होगा? वो बीज कभी भी बढ़ नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन हमें मरकुस 4 अध्याय में बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि बोने वाला क्या बोता है? बीज। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। सो पौलुस ने क्या बोया कुरिन्थियों के जीवन में? बीज बोया, यानी वचन बोया। यानी ध्यान से सुनिए, जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं तो वो वचन बोया जाता है, यानी प्लांट किया जाता है इंग्लिश बाइबल में, ठीक है। मगर जब आप उसको बार बार सुनते हैं तो वो सींचा जाता है, फिर बढ़ोतरी आती है। कितने मसीह ऐसे हैं उन्हें बार बार नई शिक्षा चाहिए मगर वो उसको सिंचाई नहीं होने देते अपने हृदय में। यानी अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए प्रार्थना से नहीं आएगी। पड़ोसी को बोलो बढ़ोतरी प्रार्थना से नहीं आएगी। यही कई मसीह लोग नहीं समझते। कई लोग देख रहे हैं दूसरी तरफ, ये क्या सिखा रहे पास्टर, ये आप सही नहीं बोल रहे हो। आई आपके जीवन में बढ़ोतरी, 30 साल से प्रार्थना कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। हम लोग ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, रोज घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना। प्रार्थना बहुत जरूरी है, उसकी अपनी एक जगह है, मगर प्रार्थना बिना वचन के कुछ काम नहीं करेगी। बोने वाला प्रार्थना बोने नहीं गया, बोने वाला क्या बोने गया? बीज। आप प्रार्थना के द्वारा आपने नया जन्म नहीं पाया। परमेश्वर का वचन कहता है 1 पत्रस 1:23, तुमने परमेश्वर के अविनाशी वचन के बीज के द्वारा नया जन्म पाया है। आदि में क्या था? वचन था। प्रार्थना बाद में आई, पहले वचन था। पहले वचन आता है, फिर उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? पहले प्रकाशन आता है, फिर प्रार्थना आती है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। ध्यान, वो मत सुनना जो मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रार्थना बहुत जरूरी है, मगर पहले हमें वचन का प्रकाशन चाहिए। कई लोग प्रार्थना को कैसे सोचते हैं? वो सोचते हैं कि वो अलादीन के चिराग की तरह है। हम बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु दे 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 दे, प्रभु दे 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 दे। नहीं, हमें वचन का प्रकाशन चाहिए, ठीक है। सो वापस उस वचन में आते हैं। पौलुस कह रहा है मैंने बोया, अपोलुस ने उसको सींचा, और परमेश्वर ने क्या करी? बढ़ोतरी दी। बहुत आसान है। यानी एक बार किसी भी वचन को सुनना काफी नहीं है। अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो उस वचन को तब तक सुनते रहें, सुबह शाम दोपहर रात सुने फिर सुने, जब तक बढ़ोतरी को ना देखने लग जाए, जब तक वो फल आपके जीवन में ना आने लग जाए।
जब तक दूसरे लोग ना बोलने लग जाए। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने जी फेथ सीरीज सुन ली, फिर आपके जीवन में उस विश्वास की सीरीज के फल होने चाहिए। आमीन। सो जिस एरिया में आप वचन को लगातार सुनते रहेंगे, उस एरिया में आप बढ़ोतरी को देखने लग जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूं, केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो लिखा है, वो बीज है। ये आप, मैं चाहता हूं आप इसको देखो कि जैसे ये बीज का डब्बा है, इसके अंदर बीज है। चंगाई के बीज भी हैं, समृद्धि के बीज हैं, शांति के बीज हैं, जय के बीज हैं, आनंद के बीज हैं। हर एक बीज जो आपको चाहिए वो इसके अंदर है। मगर अगर आप बीज पकड़ो, क्या आप उसका फल खा सकते हो? नहीं। बीज फल का है, बीज के अंदर है, मगर आपको बीज को पहले बोना पड़ेगा। और खेत क्या है? पर प्रभु का वचन बताता है मरकुस 4 में, खेत हमारा हृदय है। खेत आपका हृदय है। आमीन। सो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं विश्वास के बारे में, रोमियो 1:17 में लिखा है कि सुसमाचार जो हमें दिया गया, सुसमाचार क्योंकि उसमें, यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सो जैसे आप ऑक्सीजन से और पानी से जीवित रहते हैं, जितना जरूरी आपके लिए ऑक्सीजन और पानी है, उतना ही जरूरी धर्मी जन के लिए विश्वास है। अगर आप विश्वास को नहीं जानते, उस शिक्षा में नहीं बढ़े, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एक थ्राइविंग जीवन जीना, एक बढ़ोतरी का जीवन जीना, एक जय का जीवन जीना। विश्वास एक शिक्षा नहीं है, विश्वास हमारे जीने का स्रोत है। क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित। लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा आप विश्वास की शिक्षा देते हैं, अच्छा हम तो जी ये वाली शिक्षा मानते हैं। नहीं, अगर आप धर्मी जन हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास की शिक्षा के द्वारा आप जीवित रहेंगे। इसका मतलब विश्वास में चलना और विश्वास में दृढ़ हो जाना एक ऑप्शन नहीं है। क्या बोलेंगे उसको? एक चुन का है पास्टर साहब, विकल्प। हाँ, विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। विश्वास में बढ़ना ही पड़ेगा अगर जय में जीना है तो। आमीन। सो इससे पहले हम इस सीरीज में जाएं, मैं चाहता हूं आप ये निर्णय अपने दिल में बना लें। आज आप ये डिसाइड करें, कुछ भी हो जाए मैं विश्वास में बढ़ूंगा, मैं विश्वास में बढ़ूंगी, कोई भी मुझे विश्वास में बढ़ने से अब रोक नहीं सकता। आपको ये निर्णय, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपकी मम्मी नहीं ले सकती, आपके पापा नहीं ले सकते, आपका हस्बैंड नहीं ले सकता, आपकी वाइफ नहीं ले सकती। आपको स्वयं ये निर्णय लेना है, मैं विश्वास में बढ़ूंगा और एक योद्धा बन जाऊंगा। आमीन। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर नहीं कहता आपको विश्वास कमाने की जरूरत है, आपको कमाना नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली आता है। आता है, बोलिए आता है। कैसे आता है? कैसे आता है? सुनने से। और वही मसीह लोग नहीं करते। सबसे मुश्किल है लोगों के लिए सुनना। इसीलिए शैतान डिस्ट्रैक्ट करता है। जब आप देखिए इस कलीसिया को का अगुवा होने के नाते और इतने साल से मिनिस्ट्री में, और जब हम लोग बाहर भी जाते हैं, बहुत आसान है देखना कौन से ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में फल होंगे और नहीं होंगे। मैं यहाँ से देख सकता हूँ आपका एटीट्यूड और बता सकता हूँ आपका जीवन कैसा होगा मसीह में। जब वचन का प्रचार होता है तो मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ लोग हैं वो अपने फ़ोन में डिस्ट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग हैं बात कर रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे, और फिर बाद में पास्टर मुझे डिप्रेशन है। क्या बोलो आप उन लोगों को? क्योंकि जब
वचन भेजा जा रहा था तो उन्होंने उस वचन को ग्रहण नहीं करा। उसका वचन कहता है, मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे तेरी बीमारियों से चंगा किया है, मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे नाश होने से बचाया है। मगर जब वचन भेजा जाता है तो कम मसीह हैं जो उस पर ध्यान धरकर उसे ग्रहण करते हैं। वचन किसके लिए भेजा जाता है? चेयर टेबल के लिए थोड़ा ना, आपके लिए भेजा जाता है। मगर जबरदस्ती नहीं करेगा परमेश्वर। अगर आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे वो टकराएगा और वापस आ जाएगा। याद है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिस घर में तुम जाओ उस घर का कल्याण बोलना, अगर वो नहीं चाहते तो वापस तेरे पास आ जाएगा। सो विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और सुनना कैसे होता है? आप लगाइए रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इंग्लिश बाइबल में जो रूट वर्ड है, जो असली में जो यूनानी भाषा में जब बाइबल लिखी गई उसमें लिखा है, विश्वास सुनते रहने से आता है, एक बार सुनने से नहीं आता। अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं आपको लगातार मसीह का वचन सुनना पड़ेगा। लगातार फेथ कम्स बाय हियरिंग, ING, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अगर आप सुनते रहेंगे तो आप विश्वास में चलते रहेंगे। ये ऐसा है, आपने देखा है जब जो एरोप्लेन है वो ऊपर जाता है और जब तक उसका इंजन ऑन है वो चलता रहेगा, जहां इंजन ऑफ किया पायलट ने वो नीचे आने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर आप एक जयवंत जीवन जिए, जिंदगी भर आप एक विक्टोरियस, एक योद्धा की तरह जीवन जिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं केवल संडे को वचन सुनूंगा। आपको वचन को सुनते रहना होगा। फिर से, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। फेथ डजंट कम बाय हैविंग हर्ड। हाँ जी, 1957 में सुना था जी हमने ये वचन, नहीं। आमीन। सो विश्वास क्या होता है? बोलिए विश्वास आता है। आता है तो आने दो उसे, रोक क्यों रहे हो? कैसे आता है? सुनने से आता है। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो लोग विश्वास नहीं है जिनके अंदर, वो पता है कौन है? जिनके सुनने के कान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत परमेश्वर को जो है वो उन लोगों से है जिनके सुनने के कान नहीं है। बार बार प्रभु यीशु मसीह, आप जब पढ़ेंगे सुसमाचार में, कहता था अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो मैं तुमसे क्या कहता हूँ। वही चीज अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे उसमें लिखा है, अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। सो हमें ध्यान धरकर क्या करना है? सुनना है। परमेश्वर का वचन इन कानों की बात नहीं कर रहा। अगर किसी के सुनने के कान है, सबके ये वाले कान है, मगर वो आपके हृदय के कान, वो आपके एक एटीट्यूड की बात कर रहा है, आपके एक स्वभाव की बात कर रहा है कि जब वचन का प्रचार होता है तो आपके अंदर हृदय का स्वभाव कैसा है उस प्रचार को लेकर। आमीन। मैं आपको एक वचन में ले चलता हूं। हालेलुया। यू नो मरकुस, जब हम देखते हैं 4 उसकी 13वीं आयत, इसमें लिखा है, फिर उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बताया, बीज बोने के दृष्टांत को, और उसने अपने चेलों को बोला कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। और आप जानते हैं जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं चर्च में आने लगा, तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो लोग हैं ना वो वैसे ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, उनकी भाषा बदल गई, वो जय मसीह की बोलते हैं, वो हालेलुया बोलने लग गए, मगर जीवन में कोई जय नहीं है, कोई विक्ट्री नहीं है। आज भी डिप्रेशन में है, आज भी कई लोग, कई तो आज भी गालियां देते हैं,
आज भी जीवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चर्च आते हैं, गाने सीख गए, मसीह गाने गा सकते हैं, मगर जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। प्रभु केवल आप, प्रभु आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, एक बदलाव चाहता है। आमीन। और मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये ऐसा क्यों है, क्यों इतने सारे मसीह लोग हैं, क्यों उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है? तो परमेश्वर मुझे इस दृष्टांत में ले गया और उसने कहा ये कारण है जो आज भी मेरी कलीसिया में इतने लोग जो हैं उनके जीवन में बदलाव नहीं है। और उसने एक दृष्टांत बताया, और दृष्टांत था, उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। ध्यान से सुनिए इस बात को, बीज एक सा था, सेम बीज, वही बीज, मगर अलग अलग प्रकार की भूमियों पर गिरा। और चेलों को समझ में नहीं आया, और जो भीड़ थी उनको भी समझ में नहीं आया, मगर ध्यान से सुनिए, चेले वापस पूछने के लिए आए कि इसका मतलब क्या था। भीड़ ने पूछा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं था क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, पास्टर, पास्टर। आज मसीहों की हालत इसलिए है क्योंकि वो ले हैंड को ज्यादा ऑनर करते हैं मगर परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करते। वो 8 घंटे खड़े हो जाएंगे लाइन में कि कोई प्रभु का दास हमारे सर पे हाथ रख दे, मगर 8 मिनट अपने घर में वचन को नहीं खोलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमको ये समझ में नहीं आया दृष्टांत? अब देखिए, फिर उसने उनसे कहा क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो कह रहा है कि अगर तुम इसको नहीं समझते तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे परमेश्वर के राज्य में। यानी ये जो दृष्टांत है ये सारे और दृष्टांतों की नींव है। वो कह रहा है क्या तुम इसको नहीं समझते, क्योंकि अगर इसको नहीं समझते तो बाकी कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं जो आगे तुम्हें बताने वाला हूं, जो चीजें बताने वाला हूं, तुम वो भी नहीं समझोगे अगर तुम इसको नहीं समझते। आमीन। दूसरी आयत, बोने वाला क्या बोता है? बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। आप संडे को क्यों आते हो यहां पे? लाइट के लिए नहीं, म्यूजिक के लिए नहीं, आप आते हो कि बोने वाला वचन बोता है। आप वचन को ग्रहण करने के लिए आते हो। यू कम टू रिसीव द वर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं बोने वाला क्या बोता है? वचन को बोता है। यानी यह दृष्टांत एक फिजिकल बीज के बारे में नहीं है, यह दृष्टांत किसके बारे में है? परमेश्वर के वचन के बारे में है। बोने वाला वचन बोता है। अगली आयत, जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उस उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। शैतान तुरंत आकर, बोलिए तुरंत। पता है आपको शैतान तुरंत क्यों आता है? क्योंकि शैतान को ज्यादा विश्वास है परमेश्वर के वचन में। वो जानता है कि अगर परमेश्वर के वचन का ये बीज इनके अंदर चला गया तो ये मेरे हाथ से गए। शैतान क्या चुराने आया? हाँ, क्या चुराने आया? वचन। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। मगर शैतान क्या चोरी करता है? वचन।
क्योंकि वो जानता है अगर वो वचन चुरा लेगा आपके जीवन से तो वो सब कुछ बाकी चुरा सकता है, क्योंकि चंगाई वचन में है, प्रॉस्पेरिटी वचन में है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में है।